साल 30 लाख छटने की बीओए की रिपोर्ट को नैसकॉम ने किया खारिज। कहा 2020-21 में आईटी सेक्टर में मिले 1.38 लाख रोजगार। कोरोना की तीसरी लहर को थामने के लिए रोजाना 71 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत। उद्योग संगठन सीआईआई ने कहा दिसंबर तक तेज गति से जारी रहेंगे टीकाकरण। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ के आउटपुट का नुकसान। आरबीआई की रिपोर्ट में जताई गई आशंका। सीसीआई की जांच को रोकने की अर्जी लेकर दोबारा कोर्ट पहुंची ई कॉमर्स कंपनियां। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने दायर की अपील। वैक्सीन के असर को लेकर फोर्टिस हेल्थ केयर ने किया बड़ा दावा। कहा दोनों डोज के बाद कोरोना होने पर केवल 1% कर्मचारियों को आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। अब देशभर में सभी वाहनों के लिए एक जैसा प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा। इन सभी प्रदूषण प्रमाण पत्रों का डेटा नेशनल रजिस्टर से लिंक होगा। इस साल 96,000 लोगों को नौकरी देगी देश की टॉप 5 आईटी कंपनियां। नैसकॉम की रिपोर्ट में दावा। ट्विटर को सरकार से पंगा लेना पड़ा भारी। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई से 25% टूटे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में मिला। कुल 1098 कैरेट का डायमंड मिला। 2020 में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance का रेवेन्यू हुआ दुगुना। कुल 34.3 अरब डॉलर रही कंपनी की कमाई।